बिरयानी से कॉकरोच निकलने और होटल के अमले की बदतमीजी का मामला। कराची रेस्टोरेंट DHA के मालिक के खिलाफ 10 लाख हर्जाने का दावा दायर। सारी अदालत का वकील दरख्वास्त गुजार को इब्तदाई बहस के लिए 26 जून का नोटिस जारी। शाहिन अतीक से डिटेल्स जानेंगे। शाहिन अतीक अपडेट कीजिएगा। जी सिंधी बिरयानी के डब्बे से कॉकरोच निकलने पर कराची रेस्टोरेंट DHA के मालिक के ख़िलाफ़ 10 लाख रुपया हर्जाने का सारिफ अदालत में दावा यहां पर दायर किया गया। ये दावा लाहौर कैंट के चौधरी हाशर अली की तरफ से दायर किया गया, जिस पर अदालत ने इब्तदाई बहस के लिए दरख्वास्त गुजार के वकील को जो है वो नोटिस जारी कर दिया है। अदालत में चौधरी हाशर अली की तरफ से ये मौक़ अख्तियार किया गया था कि इन्होंने कराची रेस्टोरेंट जो DHA हैं उनको सिंधी बिरयानी जो है वो पैक करने के लिए कहा। जब दो डब्बे पैक करके मैं घर लेकर गया तो एक डब्बा जब खोला तो उसमें से कॉकरोच निकला, जिसकी वजह से जो है वो घर में तबीयत जो है वो अहल खाना की जो है ख़राब हो गई, जिस पर फौरी तौर पर रेस्टोरेंट के मालिक से रबता कायम किया तो उसने माजरत करने की बजाय उल्टा मुझे जो है वो जदोकोब किया और होटल से जो है निकाल दिया। अदालत से इस सदाए कि मुझे हर्जाना दिलवाया जाए। अदालत ने इब्तदाई बहस के लिए दरख्वास्त गुजार के वकील को जो है वो 28 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। जी ऐसे कॉकरोच निकलने पर कराची रेस्टोरेंट DHA के मालिक के ख़िलाफ़ 10 लाख रुपया हर्जाने का सारिफ अदालत में दावा यहां पर दायर किया गया। ये दावा लाहौर कैंट के चौधरी हाशर अली की तरफ से दायर किया गया, जिस पर अदालत ने इब्तदाई बहस के लिए दरख्वास्त गुजार के वकील को जो है वो नोटिस जारी कर दिया है। अदालत में चौधरी हाशर अली की तरफ से ये मौक़ अख्तियार किया गया था कि इन्होंने कराची रेस्टोरेंट जो DHA हैं उनको सिंधी बिरयानी जो है वो पैक करने के लिए कहा। जब दो डब्बे पैक करके मैं घर लेकर गया तो एक डब्बा जब खोला तो उसमें से कॉकरोच निकला, जिसकी वजह से जो है वो घर में तबीयत जो है वो अहल खाना की जो है ख़राब हो गई, जिस पर फौरी तौर पर रेस्टोरेंट के मालिक से रबता कायम किया तो उसने माजरत करने की बजाय उल्टा मुझे जो है वो जदोकोब किया और होटल से जो है निकाल दिया। अदालत से इस सदाए कि मुझे हर्जाना दिलवाया जाए। अदालत ने इब्तदाई बहस के लिए दरख्वास्त गुजार के वकील को जो है वो 28 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। जी शाहीन अतीक आपका बहुत शुक्रिया।